हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जिसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हम डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि भाई सिंपल है, अगर हमें एक साथ सारी चीज़ें दे दी जाए तो कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हमें किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसके बारे में स्टडी करनी है, तो हमने क्या कर दिया है भाई, फिजिक्स का बाइफर्गेशन कर दिया अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस, राइट। तो अगर मैं फिजिक्स को डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि फिजिक्स इज डिवाइड इन फोर टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ मैकेनिक्स, सेकेंड वन इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड वन इज़ अ थर्मोडाइनमिक्स एंड फोर्थ वन इज़ अ ऑप्टिक्स, राइट। तो हमने फिजिक्स को चार भागों में डिवाइड किया। अगर मैं बात करूँ इलेवंथ की, तो इलेवंथ में जो मेजर पोर्शंस कवर करता है वो है मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स यानी क्या होता है? तो मैकेनिक्स में मेजोरिटीज हमें ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करना होता है जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में इजीली अवेलेबल होती है, या तो हम जो हमारी रियल लाइफ में उसको बार बार यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ तो मैं कहूँगा कि मोशंस, राइट। तो मैकेनिक्स के अंदर हम बेसिकली तो पूरी तरीके से मोशंस को डिस्क्राइब करने की ट्राई करते हैं, पूरी तरीके से मोशंस को स्टडी करते हैं। अब जब हम मोशंस की स्टडी करने जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि मोशंस काफ़ी सारे टाइप्स की हो सकती है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं मोशंस की स्टडी कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं स्पीड के बारे में पढ़ूंगा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ूंगा, और उसके बाद अगर मैं कॉजेज ऑफ मोशंस की बात करूँ तो हमें पता है कि भाई कोई भी मोशंस है वो किसके कारण हो सकती है, फोर्स के कारण होती है, राइट। तो हमने यहाँ पे भी मैकेनिक्स का भी बाइफर्गेशंस किया अकॉर्डिंग टू इट्स एप्लीकेशंस। तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिक्स को भी हमने तीन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया? तीन, ठीक है। देखते हैं, मैं कह सकता हूँ मैकेनिक्स इज डिवाइड इन थ्री ब्रांचेस। फर्स्ट ब्रांच इज स्टैटिक, सेकेंड वन इज काइनेमेटिक, एंड थर्ड वन इज डायनेमिक, राइट। हमने मैकेनिक्स को तीन अलग अलग ब्रांचेज में बाइफर्गेशंस किया है अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टीज, सम पैरामीटर्स, राइट। तो हम वन बाय वन सभी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे आज के लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक। तो बेसिकली तो स्टैटिक का मतलब होता है कि स्थिर होना, विदाउट मोशंस होना। बट यहाँ पे जो हम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो हमने देखा कि मैकेनिक्स इज अ स्टडी अबाउट मोशन, हम मोशंस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिक्स में पढ़े और मैकेनिक्स में अगर कोई स्टैटिक कंडीशन दी जाती है, अब मैकेनिक्स में स्टैटिक कंडीशन का मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई पार्टिकल्स है, अगर मैं इस पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ बट फिर भी ये मोशंस नहीं करता, ध्यान देना, अगर मैं इस पार्टिकल्स पे फोर्स अप्लाई करता हूँ बट फिर भी अगर ये मोशन नहीं करता है तो उसका इन्वेंट होता है स्टैटिक कंडीशंस में, राइट। बाय चांस अगर सपोज इसके ऊपर मैं दो फोर्स अप्लाई करता हूँ, फर्स्ट वन फोर्स इज अप्लाइड इन लेफ्ट डिरेक्शन, सेकेंड वन फोर्स अप्लाइड इन राइट डिरेक्शन, तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो होगा। और टोटल फोर्स जीरो होगा तो ये क्या करेगा भाई? मोशंस करेगा नहीं। तो ऐसे जो स्टडी होगी उसको हम किस में कंसिडर करते हैं भाई? स्टैटिक पोर्शंस में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स में हम डिस्कशंस करते हैं ऐसी मोशंस की कि जो हम देखते हैं कि मोशंस होती है तो हमें दिखाई देगी, मोशंस होने के कारण उसके हम सिर्फ कुछ पैरामीटर्स के बारे में ही स्टडी करते हैं, एज लाइक हम डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, स्पीड, टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस, राइट। तो हम और एक हमने छोड़ दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो हम काइनेमेटिक्स के अंदर ये 6 पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं और साथ ही साथ इन पैरामीटर के साथ साथ हम इन पैरामीटर्स के बीच का जो रिलेशन है उसे भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि सपोज मैं बात करूंगा डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस, तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। इन सब के बीच में इंटरनल रिलेशंस होते हैं, तो हम इनके इंटरनल रिलेशंस की स्टडी भी काइनेमेटिक्स में करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई चलो हमें ये तो पता है कि इसके अंदर हम इन चीज़ों की, इन पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे, बट हम क्या स्टडी नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसके अंदर हम कॉजेज ऑफ मोशंस की बात नहीं करते, राइट। कॉजेज ऑफ मोशन की बात काइनेमेटिक्स में नहीं करते, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है, ये मोशंस कर रहा है, तो ये मोशन कर रहा है वो मुझे दिखाई देगा, तो मैं कहूँगा कि इसका क्या क्या पैरामीटर चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यस हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। बट मैं ऐसे डिस्कशंस नहीं करूँगा कि मोशन क्यों हो रही है, या तो मोशन किसके कारण हो रही है, मोशन कौन करवा रहा है, राइट। तो हम कॉजेज ऑफ मोशंस की डिस्कशंस काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब टॉपिक ये आता है कि भाई तो कॉजेज ऑफ मोशंस की डिस्कशन होगी कहाँ। तो उसके लिए हमने एक अलग से ही पूरी ब्रांच बना रखी है और उस ब्रांच का नाम है डायनेमिक। डायनेमिक में हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ मोशंस की। किसकी बात करेंगे भाई? यस, कॉजेज ऑफ मोशंस। कॉजेज ऑफ मोशंस की बात करूँ तो भाई हम पहला ही पैरामीटर ले सकते हैं कि कॉजेज ऑफ मोशंस का पहला पैरामीटर होता है फोर्स। कोई भी मोशंस होती है उसके पीछे कौन जिम्मेदार होता है भाई? फोर्स जिम्मेदार होता है, ठीक है, ये हमें पता ही है। और इस कॉजेज ऑफ मोशंस में जो हमारा पहला पैरामीटर है फोर्स, तो फोर्स को लेके हम एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसको हम नाम देंगे लॉ ऑफ मोशन। क्या नाम देंगे भाई? लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम इसके आगे और इसके अंदर डिस्कशंस करेंगे कि भाई अगर मोशन होती है तो और क्या क्या चीज़ हो सकती है। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, तो वर्क डन हो सकता है। वर्क डन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कई बार हम पावर का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो कॉजेज है उसकी स्टडी हम किस में करेंगे? डायनेमिक्स में करेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को हम कहाँ से लेके आए? तो फिजिक्स पर से। उसका भी हमने बाइफर्गेशन किया है 3 टाइप में, अकॉर्डिंग टू अवर एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम काइनेमेटिक्स में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे कि जिसमें हम कॉजेज की डिस्कशंस ना करें, राइट। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था मैकेनिक्स के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की ही, और काइनेमेटिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। थैंक यू।